प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा। राज्यों में उनके हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आ रही हैं और वो वहां पर लोगों की भलाई के काम देखने की बजाय, कानून व्यवस्था को बनाने की बजाय दिल्ली में आकर डेरा जमाए हुए हैं। ये कांग्रेस का डर साफ दिखाता है कि जो घोटाले परिवार और पार्टी ने किए हैं उससे बचाने के लिए जनता की आंखों में और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने का और दबाव बनाने का काम हो रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर जांच एजेंसियों पर विश्वास करें आप लोग, और जैसा पहले भी बाकी राजनीतिक दलों के लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने कभी कार्रवाई की होगी, तो कोई इस तरह का बवाल देश में नहीं करता था। क्या गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है? ये सवाल बार बार खड़ा होता। देखिए, कांग्रेस लोकतंत्र पर हमला करने में कभी पीछे नहीं हटी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर भी हमला करती रही, प्रश्न चिन्ह खड़े करती रही, और ये तो अपनी सरकार में भी ऑर्डिनेंस को फाड़ते रहे। इनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि एक परिवार अपने आप को देश के कानून और जांच एजेंसियों से ऊपर समझता है। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है? क्या गांधी परिवार और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जांच नहीं हो सकती?